بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم my dear students, this is physics class. I'm PMS Char Sarda. अच्छा बेटा, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो हमने कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल वर्ल्ड बाय इस्लामिक साइंटिस्ट स्टार्ट किया था. इसमें हमने पहले तीन साइंटिस्ट और बाद में पाकिस्तानी साइंटिस्ट का स्टार्ट किया था. इसमें हमारे साथ जो लास्ट वन रहता है अब्दुल कदीर खान. सो इसका इंट्रोडक्शन हमने करवाया भी था कि ही वाज बर्न इन 27 अप्रैल 1936 इन भोपाल इंडिया. अब इसका काम क्या था, कंट्रीब्यूशन. ही इज अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट. वो एक न्यूक्लियर फिजिस्ट मतलब उन्होंने न्यूक्लियर साइट पे काम किया था. एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर. मेटलर्जिकल इंजीनियर से मुराद वो बंदे जो स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग साइड पे, लेकिन मेटल स्टडी करते हैं और इन ही मेटल्स को फिर ह्यूमन फायदे के लिए, इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. तो इसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियर. सो इंजीनियरिंग की वो साइड जिसमें हम मेटल स्टडी करते हैं और इन ही मेटल को फिर इंसानी फायदे के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. और जो बंद ये करवाते हैं इसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियर. Who founded the uranium enrichment program? अब uranium enrichment program से क्या मतलब है? So uranium enrichment program से मतलब ये है बेटा कि uranium का percentage बढ़ाना. जो atomic bomb project है ना, इसमें uranium का percentage बढ़ाना, इसको हम कहते हैं uranium enrichment program. पाकिस्तान atomic bomb project, पाकिस्तान के atomic bomb बनाने के लिए. He founded and established the Quetta Research Laboratory in 1976 और उन्होंने पाकिस्तान में एक रिसर्च लेबोरेटरी भी फाइव की, इसका नाम है क्वेटा रिसर्च लेबोरेटरी. एंड सर्व एज बोथ इट्स सीनियर साइंटिस्ट और बतौर हैसियत एक सीनियर साइंसदान की एंड डायरेक्टर जनरल अंटिल ही रिटायर्ड इन 2001 और 2001 तक सीनियर साइंटिस्ट की तौर पर और इन ही लेबोरेटरी के डायरेक्टर जनरल की हैसियत पे 2001 में वो रिटायर हो गए. अब इसी टॉपिक पे एमसीक्यूज हमारे साथ किस तरह बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट वन इसमें बनता है कि अब्दुल कदीर खान वाज अ डैश फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट. अदर ऑप्शंस भी आपको दी जाती है, तो इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट. इसके सेकंड वन इस तरह भी बनता है कि अब्दुल कदीर खान वाज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड डैश इंजीनियर, मेटलर्जिकल इंजीनियर. अच्छा इस पे जो थर्ड वन बनता है कि डैश फाउंडेड द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोजेक्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इब्न अल हैसम अल बेरूनी. तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फाउंडेड द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोजेक्ट. अच्छा इस पे फोर्थ वन किस तरह देखिए, डैश फाउंडेड द क्वेटा रिसर्च लेबोरेटरी इन 1976. तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, याकूब किंदी एंड अल बेरूनी. तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. इस पे लास्ट वन जो बनता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सर एज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल अंटिल ही रिटायर्ड इन देश 2001 2002 2003 एंड 2004. तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस क्वेटा रिसर्च लेबोरेटरी से सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर जनरल की हैसियत के तौर पे किस ईयर में रिटायर हो गई. तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 2001. तो यहाँ तक जो बात थी हमारे साथ ये कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल वर्ल्ड बाय इस्लामिक साइंटिस्ट, जिसमें पहले हमने आपको किंदी, फिर इसके बाद इब्न अल हैसम अल बेरूनी, फिर इसके बाद हम पाकिस्तानी फिजिस्ट की तरफ आ गए, जिसमें फर्स्ट वन था हमारे साथ अब्दुल सलाम और सेकेंड वन था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से क्या मुराद है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से बेटा मुराद है, क्योंकि हमने फिजिक्स का डिफिनेशन इस तरह किया था, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स और मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. अब हम इसमें फिजिकल यूनिवर्स मतलब कि वो अर्थ जो हमारे साथ फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज एडॉप्ट करते हैं. तो उन्हीं मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हमने इन ही फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया. तो
क्योंकि अगर हम एक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी के लिहाज से जो स्टडी करते हैं, इसको हमने अलग किस्म का नाम दे दिया। दूसरी बात, अगर हम उन्हीं पार्टिकल का कोई दूसरी फीचर्स के लिहाज से स्टडी करते हैं तो उसको हमने दूसरे ब्रांच का नाम दे दिया। तो मतलब कि किसी मटेरियल के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज एडॉप्ट होने की वजह से हमने फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में क्योंकि ड्यू टू वास, अच्छा पहले जो फिजिक्स का डिफिनेशन वही हम दोबारा रिपीट करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। फिजिकल यूनिवर्स से फिर मैं बता रहा हूँ क्या मुराद है, कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे साथ फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट हो, एनर्जी मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड, एनर्जी है मैटर है और ये किस तरह आपस में रिलेटेड है। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ड्यू टू वास्ट स्कोप एंड रिसर्च इन फिजिक्स इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। रिसर्च और ज्यादा औसत के लिहाज से, मतलब कि स्टडी के ज्यादा औसत के लिहाज से हमने फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया। सिंपल मतलब यही है कि किसी मैटर के मुख्तलिफ फीचर्स की बुनियाद पर हमने इसका स्टडी किया, तो उन्हीं मुख्तलिफ फीचर्स के लिए हमने अलग अलग ब्रांचेस का नाम दे दिया। इसमें फर्स्ट वन जो है हमारे साथ वो कौन सा है, मैकेनिक्स है। सो मैकेनिक्स, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन से मुराद हरकत है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, किसके जरिए निकालिए, किसके इफेक्ट में, फोर्सेस के इफेक्ट में। अब फोर्स क्या है, ये तो आपने इससे लोअर क्लासेस में पहले पढ़ा होगा कि फोर्स हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रोकने, मतलब पहले से वो हरकत में हो या हरकत, और इसको हरकत से रोकने की रोक ले या हरकत रोकने की कोशिश करे, या एक बॉडी को मोशन में लाए, मतलब बॉडी पहले से हालत सुकून में है, रेस्टेड में है, या हरकत में लाने की कोशिश करते, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स हमारे साथ एक ऐसा एजेंट है जो एक बॉडी को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे, या एक बॉडी को मोशन करने से रोक ले, या मोशन करने की रोकने से कोशिश करे, तो इसको हम कहते हैं फोर्सेस। तो अब मैकेनिक्स कौन चाहे, तो मैकेनिक्स हमारे साथ फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस की वजह से बॉडी मोशन में आ सकता है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट वन ब्रांच मैकेनिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैकेनिक्स क्या है, तो आपका सिंपल आंसर यही होगा कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट से मुराद एक चीज जो है जमीन की तरफ गिरती है, सही है। अच्छा, ये ब्रांचेस जो है बेटा बुक पेज नंबर 6 पे है, ब्रांचेस जो है बुक पेज नंबर 6 पे है। अच्छा, एग्जाम्पल्स जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब हम एक चीज को इस तरह ओपन एटमोसफेयर में छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद जमीन की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पे ये क्यों जमीन की तरफ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात मैकेनिक्स में डिस्कस की, इसमें हम मोशन स्टडी करते हैं, तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो जमीन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी मोशन में आ गया। लेकिन लास्ट पोर्शन में हम स्टडी करते हैं कि बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के जेर असर। तो अब यहाँ इसमें कौन सा फोर्स है, फोर्स जो है इस पे अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ये बॉडी जो अर्थ की तरफ जाती है ये बेसिकली अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जाती है। फ्रिक्शन है, जिसको हम उर्दू में रगड़ कहते हैं। फ्रिक्शन उस फोर्स को हम कहते हैं जो दो बॉडीज के दरमियान जब कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो उन्हीं दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स एराइज होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच करें और एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मोशन करने से इस बॉडी को रोकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं या रगड़ कहते हैं। लेट सपोज अगर आप दोनों हाथों के इस तरह एक दूसरे के साथ टच ले लें और फिर एक दूसरे को आगे टू या फ्रो, मतलब आगे पीछे मोशन
देना चाहते, तो आप यहाँ पे देखें कि एक हाथ दूसरे हाथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उनके दरमियान जो फोर्स अराइज होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। थर्ड वन जो एग्जाम्पल है वेट है, वेट हम एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ से लगने वाले फोर्स को कहते हैं। वेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे किस कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो इस पे अर्थ की तरफ से जो लगने वाले फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मीन कि एक बॉडी का घूमना फिरना, तो ये घूमना भी क्या करेगा, एक फोर्स जब इस पे अप्लाई हो जाएगा तो किसी फोर्स की वजह से वो स्पिनिंग करेगा। तो ये था मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम सिंपल क्या स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। सेकेंड वन जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो हीट ये बात नोट करें बेटा, अक्सर जहां पे हम हीट का वर्ड सुनते हैं डायरेक्टली हमारा जहन जो है वो जाता है आग की तरफ। तो ये बात नोट करें, हीट सिर्फ आग को नहीं कहते, हीट बेसिकली हमारे साथ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक किस्म का एनर्जी है जो हॉट एंड से या गर्म जगह से हॉट प्लेस से कूल एंड कूल जगह की तरफ खुद ब खुद जाता है। समझ गए मेरे बात पे कि हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक किस्म का एनर्जी है जो हॉट एंड से हॉट प्लेस से कूल एंड की तरफ खुद ब खुद जाता है, इसको हम कहते हैं हीट। मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेट सपोज अगर आप एक स्पून ले ले और इसको आप एक हॉट टी कप में रख ले, तो आपने जिस नीडल या जिस साइड को इस टी के अंदर रखा है तो वो तो खुद ब खुद कंटेक्ट की वजह से हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ वक्त गुजरने के बाद उसका ये दूसरा सिरा जो टी से बाहर है वो भी गर्म हो जाएगा। तो बेसिकली वजह क्या है कि यहाँ पे जो गर्माइश थी इस टी में वो इस स्पून में हीट की सूरत में, एनर्जी की सूरत में इसके दूसरे एंड तक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हीट क्या है, तो हीट का ये बात सुन ले बेटा कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये नहीं बोलना कि हीट हमारे साथ क्या है, आग है। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो गर्म जगह से हॉट प्लेस से कूल यानी सर्द जगह तक खुद ब खुद जाता है, इसको हम कहते हैं हीट। एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब है वही हीट वही गर्माइश, डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अगेन थर्मो का मतलब है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब है फ्लो। सो इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कूलनेस की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के हार्डनेस या कूलनेस की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, और इसका जो रिलेशन है एनर्जी के साथ वो हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हीट तो ऑलरेडी हमारे साथ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सही है, एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, और टेम्परेचर और इसका एनर्जी के साथ रिलेशन। सो ये बात नोट करें अपने साथ कि जितना एक बॉडी का एनर्जी ज्यादा होता है उतना ही इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, सही। तो उसका हम आपस में ताल्लुक डिस्कस करते हैं। तो हीट और टेम्परेचर का तो आप लोग को समझ आ गया कि हीट हमारे साथ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हॉट एंड से कूल एंड तक फ्लो करता है। टेम्परेचर क्या है, द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस और कूलनेस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी ऑब्जेक्ट की हार्डनेस या कूलनेस की मेजरमेंट हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब यही टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि इस बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम मेजर करते हैं। तो इस अगर अच्छा एनर्जी अच्छा सो टेम्परेचर का मतलब क्या है बेटा कि इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी को हम मेजर करते हैं एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी और इसका एनर्जी के साथ रिलेशन। तो अब हम यहाँ मेरे बता दें कि टेम्परेचर को का हम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा है, और अगर इस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी कम है तो उसका टेम्परेचर भी क्या है, कम है। एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग का मतलब है पिघलाना या पिघलना किसी चीज का, एंड फ्रीजिंग या जमा देना।
तो जब हम लेट सपोज कोई चीज लेते हैं, वाटर, बर्फ लेते, इसको हम पिघलाते तो उसको हम हीट ऐड करते हैं। एंड फ्रीजिंग, अगर जब हम एक चीज को फ्रीज करते हैं, वाटर फ्रीज करते हैं, तो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहां से हम इसमें डेयरी ऑब्जेक्ट मतलब वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं। इंजन जो है वहां पे भी हमारे साथ हीट अराइज होता है। एंड रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम इनसाइड इस रेफ्रिजरेटर के रखते हैं, तो वो इस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को लेकर इसको बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा सुदेश आलम, पूछे अपना क्वेश्चन बेटा। सुदेश आलम जी, सर, ये जो एक्सरे है ना, ये आपने परसों एक स्टूडेंट को बताया था कि एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सो विच कौन फॉर्म सा ऑफ चीज एनर्जी इज बेटा एक्सरे? जी? एक्सरे। अच्छा हाँ, एक्सरे सर बोले सुदेश, बोले अपना बेटा क्वेश्चन पूछे, शाबाश। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सॉरी नेक्स्ट जो ब्रांच है थर्ड नंबर, ऑसिलेशन एंड वेव्स। सो ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन भी हम कहते हैं कि एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। एंड वेव्स हमारे साथ क्या है कि एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन किस सूरत में जाता है, इसको हम कहते हैं वेव्स। सो ऑसिलेशन एंड वेव्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे, और बैक एंड फोर्थ को भी हम आगे पीछे कहते हैं, और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स का नाम देते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर आपने झूला देखा होगा तो झूला पहले से मतलब जब आप इस पे नहीं बैठे हैं और वो रेस्टेड हालत में है, पहली सी पोजीशन पे है, तो इसको हम इसका इनिशियल पोजीशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पे बैठ जाते हैं तो पहले पीछे की तरफ चला जाता है, और वहां से आप मोशन स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने पहले इस इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे मोशन जारी रखेंगे। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सो इसमें हम कौन से ऑसिलेटरी मोशन, हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं। एंड वेव्स हमारे साथ एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो इसको फिर हम कहते हैं वेव्स। सही है, तो इट इज द स्टडी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी इनिशियल पोजीशन या मेन पोजीशन से आगे पीछे हरकत को कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग जो है, अगर आप देखें तो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें या इसके स्प्रिंग को आप किसी जगह हुक से अवेजान करो, इसके साथ कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट सस्पेंड करें, तो जब आप इसको नीचे फोर्स के साथ कैच लेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि ये स्प्रिंग कभी कंप्रेस कंप्रेस होगा, कभी एक्सट्रैक्ट होगा। तो स्प्रिंग भी अपनी मतलब यहाँ पे कौन सा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स हमारे साथ बेसिकली क्या है, एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी एक खास सूरत में प्रोपेगेशन करती है, वो सब करती है, इसको हम कहते हैं साउंड वेव्स। वाटर जो वेव्स है, वाटर पे जो लहरें बनती है, तो इसको हम कहते हैं वाटर वेव्स। अच्छा फोर्थ वन जो है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइट स्टडी करते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स और वो आलात क्रिएटेड के लाइट को पैदा करें, टू यूज आर डिटेक्ट के या लाइट को डिटेक्ट करें। तो ऑप्टिक्स हमारे साथ फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और वो आलात जो लाइट को पैदा करें या लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। सो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट लाइट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है, और लाइट को डिटेक्ट करने वाले मुख्तलिफ आलात
का मुताला करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल्स क्या है, मिरर्स है, तो मिरर्स में भी हम लाइट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेंसेज है, लेंसेज में भी हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोप है, सो टेलीस्कोप वो चीज है जिसके जरिए हम बहुत दूर तक की चीजों को देख सकते हैं। टेलीस्कोप वो आला है हमारे साथ जिसके जरिए हम बहुत दूर तक चीजों को देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। मिरर से मुराद क्या है, आईना है। अब आईने में अगर आप देखें तो हमारा इमेज बनता है, लेकिन ये इमेज किस तरह बनता है, तो यही लाइट जब हमारे चेहरे पे पड़ जाती है, तो चेहरे पे पड़ जाने के बाद यही लाइट फिर इस शीशे पे पड़ जाती है और इसी शीशे में हमारा इमेज बन जाता है। लेंसेस क्या है, लेंसेस को हम उर्दू में अक्सा कहते हैं। सो जब यहाँ पे लाइट जो है वो इस लेंसेज से पास होकर हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, तो या तो ये क्या करता है, इमेज को बड़ा बना लेता है। और टेलीस्कोप वो आला है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बहुत दूर तक की चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जो अगर आप देखें तो ये आपको बहुत मतलब ये फेमस वर्ड्स है जिसको हम वो ब्रांच जिसमें हम बिजली के मुताबिक स्टडी करते हैं। अब बिजली क्या है, बिजली किस तरह पैदा होती है, मैग्नेटिज्म हम कहते हैं मैग्नेटिसियत को। So it deals with the study of static as well as moving charges. Physics की वो branch जिसमें हम static charges मतलब वो charges जो rest में होते हैं as well as moving charges और वो charges जो हरकत में होते हैं and associated physical phenomena और उसके साथ जो physical phenomena associated होता है। अब physical phenomena से क्या मुराद है, तो जब charges rest में होते हैं, पहला जो word है static, जब charges rest में होते हैं तो जस्ट इसके इसके जो फिजिकल फिनोमेना एसोसिएट होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी जो बात है एज वेल एज मूविंग चार्जेस, लेकिन जब ये चार्जेस मोशन में आते हैं तो उसके साथ एक दूसरा फिनोमेना भी एसोसिएट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। तो फिजिक्स के इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और उसी वजह से इन अभी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम कंबाइनली स्टडी करते हैं, क्योंकि एक की वजह से एक लेट सपोज जिस तरह चार्जेस मोशन में आ जाते तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि इसका आपस में एक बहुत स्ट्रांग लिंक मौजूद है, तो उसी वजह से आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करते हैं। So, अब यहाँ से पूछे कि अगर आपसे कुछ पूछे कि जो फिफ्थ नंबर ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें हम चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं मोशन में होते हैं वो स्टडी करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना इससे क्या मुराद है, तो आप यही बात बताएंगे कि एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना से मुराद जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं रेस्ट में होते तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब ये मोशन में आ जाए मतलब उन्हीं दो पॉइंट से आप डिस्कस करते हैं स्टैटिक एंड मूविंग से। तो अब कहेंगे कि एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना, तो आप कहेंगे पहले ये स्टैटिक वर्ड्स की तरफ आ जाए कि जब चार्जेस रेस्ट में हो जाए तो उसके साथ एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरी बात मूविंग चार्जेस है तो उसके साथ एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना दोनों हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझिए मेरे बात पे, एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सर्किटरी वो रीजन जहाँ पे हमारे साथ सर्किट बना होता है। मैग्नेट्स मैग्नेटिज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो चीज जहाँ पे हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों होते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे साथ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस और मूविंग चार्जेस और उसके साथ एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं। अच्छा सिक्स नंबर जो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिस तरह नाम से जाहिर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सो एटॉमिक फिजिक्स से मुराद वो है जिसमें हम एज अ होल एटम की स्टडी करते हैं।
और न्यूक्लियर फिजिक्स से मुराद वो है जिसमें हम जस्ट न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम। कि एटॉमिक फिजिक्स में हम अगर आप इसको मतलब अलग-अलग डिफाइन करें तो वो भी ठीक है। कि एटॉमिक फिजिक्स को इस तरह डिफाइन करें, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम्स। सही है, तो एटॉमिक फिजिक्स के लिहाज से आप जस्ट ये यहाँ तक कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आप ऐसा कि इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कंबाइनली हम इसका डिफिनेशन किस तरह करते हैं कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर साफ प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज है एटम्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने मौजूद है, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका हम स्टडी करते हैं। एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, और एक एटम की न्यूक्लियस का हम मुताला करते हैं। तो फिजिक्स के इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, एक्सरेज हैं, मतलब कि हमारे साथ कौन से किस्म के एटम से एक्सरेज एमिट होगा। लेजर क्या है, लेजर भी हमारे साथ लाइट है, इसका मतलब क्या है लेजर का, कि एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। सही है, तो लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही है, तो लेजर लाइट को हम फिर एम्प्लीफाई करते हैं। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। एमआरआईज जो है, सीटी स्कैन्स एंड पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और पीईटी स्कैन, तो इस ब्रांच में हम उन्हीं सारी चीजों का स्टडी करते हैं। अच्छा, रिलेटिविटी क्या है, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन। रिलेटिविटी क्या है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के जो बहुत हाई स्पीड के साथ मोशन करते हैं और इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट स्टडी करते हैं, मतलब जो मुख्तलिफ सेटेलाइट्स है या जहाँ पे हम इस तरह हमारा अर्थ है, हम इस पर अर्थ का इफेक्ट स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम अब उन ऑब्जेक्ट्स का जो हालत हरकत में है सही है, एंड ग्रेविटेशन, और इस पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वही हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। अच्छा, लेजर का मतलब है बेटा कि लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन, आर फॉर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation. सही है, अब हमने जो next branch start किया था relativity, it is related to the study of moving objects. कि इसमें हम moving objects के मुतालिक बात करते हैं, including very high speed, जो बहुत high speed के साथ जाता है, and gravitation, और इस पर gravity का effect हो। एग्जाम्पल क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे साथ इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसमें हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, इसका स्पीड बढ़ाते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इसका स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो एनर्जी है, सही है, तो ये जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, तो इस तरह यहाँ पे हम इन्हीं के मुतालिक स्टडी करते हैं। तो रिलेटिविटी वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल एक्सेलरेटर, मतलब कि जिसमें हम पार्टिकल के बहुत हाई स्पीड के मुतालिक स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। पार्टिकल एक्सेलरेटर से मुराद क्या है कि वो आला जिसमें हम पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स से मुराद क्या है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कि इसमें हम जो
कॉन्स्टेंट इनडिविजिबल गैर तकसीम शुदा यूनिट्स ऑफ एनर्जी के मुतालिक बात करते इसको हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा बेसिकली हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स को, कि मतलब ये एनर्जी हमें पैकेट्स की सूरत में मिलती है। एक पैकेट्स से मुराद आपकी क्या है कि ये कंटिन्यूसली हमें मिलती है, सही है, एक डिस्क्रीट और कॉन्स्टेंट शेप की सूरत में हमें मिलती है, तो इसका मतलब यही है। और क्वांटा, क्वांटा को हम क्या कहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम फिजिक्स से मुराद वो है कि जिसमें हम एनर्जी के मुताबिक डिस्कशन करते हैं कि ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलता है, सही है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसमें है एटम एंड इट्स पार्ट्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम मजीद तकसीम करते हैं, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि एटम यहाँ पे क्या है एंड इट्स पार्ट क्या है। तो ये बेसिकली एनर्जी जो है ये हमें एटम्स से मिल रही है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, एटम्स से, और यही एनर्जी इस एटम से इस क्वांटा की सूरत में निकल रही है। एंड इट्स पार्ट से क्या मुराद है, पार्ट से मुराद है कि क्वांटम फिजिक्स में हम एक इसके जो मजीद ब्रांचेस है पिराते इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में फिर हम उस एटम्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स है उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं। अच्छा अब बेटा किस क्वेश्चन पूछे तो राइज योर हैंड, शाबाश, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, शाबाश। मलगालरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा क्वेश्चन सर, ये क्वांटा दोबारा बताएं। अच्छा क्वांटा बेटा हम कहते हैं एनर्जी पैकेट्स को, एनर्जी पैकेट्स को, कि एनर्जी जो है जिस ये हमें पैकेट्स की सूरत में मिल रही है, ये डिस्क्रीट आ रहा है, मतलब ये गैर तकसीम शुद्धा है। समझ गए मेरे बात की बेटा, कि बात अगर आप देखें हमारे साथ कोई चीज जरूर में तकसीम हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है ये हमें एक फुल पैकेट्स की सूरत में मिल रही है किसी भी सोर्स से। फरहान जी बोले, फरहान हीट एंड सेकंड वन बताए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट से मुराद बेटा मैंने बता दिया कि हीट को आमतौर पे अगर हम जहां भी नाम लेते तो डायरेक्टली हमारा जो जहन है वो आग की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बेटा ये बात सुनने कि हीट जस्ट आग के लिए नहीं है, हीट बेसिकली हमारे साथ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट एंड से गर्म जगह से कूल एंड मतलब सर्द जगह तक खुद बहुत जाता है, इसको हम कहते हैं हीट। साथ में जो दूसरा टर्म है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो से मुराद वही हीट है, डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो। सो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम जो हीट एनर्जी है इसके मुताबिक स्टडी करते हैं, इसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है इसका इसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मुदस्सर, मुदस्सर सर, ये द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट से क्या मुराद है? अच्छा डिस्क्रीट से मुराद बेटा कि आपके साथ इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है ना वही कांस्टेंट होता है। डिस्क्रीट से मुराद कि आपके साथ ये तकसीम शुद्धा में मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू की सूरत में आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया? आसमा बशीर, आसमा बशीर अब्दुल्ला जान, अहमद अली, अहमद अली शाबाश,
खुशहाल सर जी, वो लेजर का डिफिनेशन थोड़ा दोबारा बताए। अच्छा बेटा, लेजर है, आप पहले देखिए, एल है ना, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। हिबा सर, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोबारा समझाए। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन को अगर आप दें तो इसमें क्या कहते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड विद फिजिकल फेनोमेना। तो इसमें हम जो चार्जेस रिस्क में होते हैं, चार्जेस या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, जब वो रिस्क में होता है तो उसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। और दूसरी है एज वेल एज दे आर मूविंग, जब ये मोशन में होता है तो उसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं एंड एसोसिएटेड फिजिकल फेनोमेना। और जब ये मोशन में होती है और या ये रेस्ट में होते हैं तो उसके साथ जो फिजिकल फिनोमेना एसोसिएट होता है इसको हम स्टडी करते हैं। वो फिजिकल फिनोमेना कौन कौन से है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके साथ जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमेना होता है। दूसरी, जब ये चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके साथ फिर दोनों चीजें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एसोसिएट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमादुल्लाह जी।